तो एक बार फिर से वेलकम है गाइस तुम लोगों का हमारे हाउस अपग्रेड की सीरीज में। एंड एज यू नो हम लोग हर बार कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहते हैं मेरे घर के अंदर। एंड जो हमारा अपग्रेड था वो फुल्ली कंप्लीट हो चुका था कुछ दिनों पहले। एंड मैंने तुम लोगों से सजेशंस मांगे थे कि भाई मुझे क्या और नई चीजें मुझे ट्राई करनी चाहिए हमारे इस हाउस अपग्रेड के अंदर, तुम लोग कमेंट में बताओ। तो तुम लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, जिसमें से लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों के दो कमेंट सुने थे, जिसमें एक था भाई हेलीकॉप्टर लाना एंड एक था भाई टैंक। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, देखो भाई मेरे पास गाड़ियों का एकदम अलग ही लेवल का कलेक्शन है। मेरे पास रॉयल्स रॉयस से लेकर लैम्बोर्गिनी तक है, बट मेरे पास कोई टैंक नहीं था। तो मैं गया मिलिट्री वालों के पास एंड उनके पास एक पुराना सा टैंक था। वैसे वो बेचते तो नहीं है, लेकिन मिलिट्री कर्नल से अपनी थोड़ी बहुत जान पहचान होने की वजह से भाई मुझे एक टैंक दे दिया उन लोगों ने। वो बात अलग है जिसके लिए मुझे 10 करोड़ उन्हें देने हैं, लेकिन बाद की बात है, वो तो दे देंगे फिर कभी 10 करोड़। बाकी ये था वो टैंक जो कि हमें मिल गया था। एंड कुछ गाड़ी भी लाया था मैं, वो ग्रीन वाली जो सबसे साइड में तुम लोग देख रहे हो ना भाई, ये वाली गाड़ी लेकर आया था मैं लॉस सैंटोस के पोर्ट से। खैर इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं, ये सब तो फिलहाल हुई लास्ट एपिसोड की बातें। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है गाइस कि मैंने फिर से तुम लोगों को वही कमेंट्स देखे भाई कि क्या हम लोग नई चीज ट्राई कर सकते हैं हमारे इस हाउस अपग्रेड में। एंड मुझे भी एक कमेंट बहुत ज्यादा बार दिखा, वो था भाई घर के अंदर एक गेमिंग रूम होना, जिस बात से मैं एग्री भी करता हूँ भाई। पहले मैंने सोचा था कि गेमिंग रूम बनवाएंगे, बट इतना खर्चा होता चला गया यार इस नॉर्मल से अपग्रेड में ही कि गेमिंग रूम फिर बनवाने का मन ही नहीं किया। बट अब लग रहा है कि भाई नहीं, गेमिंग रूम बनता है भाई। जब 160-170 करोड़ मैं खर्च कर चुका हूँ अपने घर के अंदर, ऐसे तुम लोग सोच रहे हो भाई सिर्फ 150 ही करोड़ खर्च हुए हैं, नहीं भाई वो 10 करोड़ कोर्ट केसेस, 10 करोड़ वो पुलिस की पेनल्टी वगैरह नहीं जोड़ोगे भाई, वो सब जोड़ के 170-180 करोड़ लगभग हो ही गया होगा खर्चा। अरे बल्कि इससे ज्यादा भी हो गया होगा यार अगर तुम उस 10 करोड़ के टैंक को जोड़ोगे। अबे हाँ यार उसके भी तो पैसे लौटाने हैं। अरे छोड़ो वो बाद में लौटाएंगे। फिलहाल मैं कह रहा था कि भाई मैंने सोचा था टैंक के बारे में, बट वही भाई मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा था भाई गेमिंग रूम के बारे में, बट पूरे घर में इतना खर्चा होता चला गया कि कभी ध्यान ही नहीं गया गेमिंग रूम पे। एंड फिर पैसे बचे नहीं, फिर गेमिंग रूम के लिए क्या ही बात करूं मैं, इसीलिए मैं इग्नोर करता चला गया। बट अब तुम लोग भी कमेंट कर रहे हो यार कि हाँ भाई इतना बड़ा घर है जिसमें एक ऑफिस है, शिनचैन पिनचैन के लिए रूम है, ये छोटा सा जिम है, ये सब हो सकता है, तो एक गेमिंग रूम क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने भी सोचा चलो भाई ठीक है एक हो जाए गेमिंग रूम। तो फिलहाल ये हमारे सेकंड फ्लोर का बेड है एंड जिम है, नीचे हमारा ऑफिस है जिसको तुम लोग जानते ही हो। एंड अभी फिलहाल मैंने प्लान बनाया है कि इस वाले फ्लोर के ऊपर हम लोग बनवाएंगे एक गेमिंग रूम। भाई देखो वहाँ पर आर्किटेक्ट एंड साथ ही साथ अपने कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब नजर आ रहे हैं। अब रही बात पार्टी की, घर के पूरे कंप्लीट होने के बाद जो मैं पार्टी देने वाला था वो पार्टी दूंगा मैं, गेमिंग रूम बन जाए उसके बाद थोड़ा और बढ़िया लुक आएगा। देखो पहले फ्लोर पे तो अपना ऑफिस है सिंपल सा, ये तो तुम लोगों को पता ही है ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरे फ्लोर की तरफ चलते हैं तो दूसरे फ्लोर पे अपना छोटा सा एक बेड है एंड देन उसके साथ एक छोटा सा मिनी जिम है, स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं बस ठीक है। बट अब जो इसके ऊपर वाली जगह है वो रूफ है एकदम क्लियर। जरा मैं तुम लोग एक बार चल के दिखा देता हूँ यहाँ से। अरे यार एक सेकंड कैसे जाऊँ, यहाँ से अबे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इधर अगर तुम लोग जाओगे एंड इस तरीके से हम लोग आ गए हेलीपैड के पास। अब हेलीपैड के पास से अगर हम लोग इधर जाते हैं तो ये पूरा ऊपर का रूम खाली है, रूम क्या ऊपर का ये एरिया खाली है। तो अब कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्ट को जैसे ही मैंने बताया कि भाई एक गेमिंग रूम चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है गेमिंग रूम की, इसलिए हमने हाउस अपग्रेड किया है तो एक गेमिंग रूम तो बनता ही है। तो यहाँ पर आर्किटेक्ट ने सजेस्ट किया कि सबसे बढ़िया लोकेशन रहेगी भाई ये वाली, ये वाला जो ब्लॉक देख रहे हो तुम लोग यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है, ग्लास को चेंज करके एकदम हार्ड रूफ लगा देंगे एंड देन उसके ऊपर हो जाएगा अपना ब्रांड न्यू गेमिंग रूम, जो कि आई गेस आइडिया बढ़िया है। बाकी हाँ एक चीज पूछनी रह गई भाई, बजट कितना लगेगा इस गेमिंग रूम में? कॉन्ट्रैक्टर भाई आर्किटेक्ट भाई तुम लोगों ने बजट वगैरह सोचा है कुछ? 2-4 करोड़ में हो जाएगा ना भाई काम? अरे फ्रैंकलिन कैसी बात कर रहे हो यार, 2-4 करोड़ में तुम गेमिंग रूम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर हाँ तुम्हें एकदम सस्ता लोकल सा पुराना सा कोई पीसी लगवा के, पुराना सा कोई सोफा वगैरह डाल के, सस्ती लाइटें लगवा के तुम्हें अगर गेमिंग रूम चाहिए तो फिर तो 2-4 करोड़ में आराम से हो जाएगा। नहीं भाई वो चल बे पागल हो गया क्या, इतना महंगा घर बनवाया है उसमें लोकल सा गेमिंग रूम थोड़ना चाहिए। वही तो यार, लेकिन फिर अगर तुम्हें महंगा गेमिंग रूम चाहिए, तगड़ा वाला अल्टीमेट गेमिंग रूम जैसा गेमिंग रूम पूरे लॉस सैंटोस में किसी के पास ना हो, अगर तुम्हें वैसा चाहिए तो लगभग लगभग 25 करोड़ तो लगेंगे।
क्या अब ये ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं यार फ्रैंकलिन, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 25 करोड़ अप्रोक्स लगेंगे तुम्हारे गेमिंग रूम में। अबे यार लेकिन आर्किटेक्ट भाई, अब मैं 25 करोड़ कहाँ से लाऊं? तो ठीक है 3-4 करोड़ ले, हम लोग सस्ता वाला बना देते हैं। नहीं 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 नहीं, सस्ता वाला नहीं चलेगा, चाहिए मेरे को प्रीमियम वाला ही। तो फिर तो 25 करोड़ लगेंगे तुम्हारे। ठीक है 25 करोड़ का जुगाड़ करना पड़ेगा, कर लेंगे गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जहाँ 170-180 करोड़ का जुगाड़ कर लिया हम लोगों ने, वहाँ 25 करोड़ का भी जुगाड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ एक बात बता यार, आर्किटेक्ट भाई जब मैं लास्ट टाइम तो उससे उधर मिला था, तू कह रहा था तुझे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है भाई लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट की तरफ से, कोई जू वगैरह बनाने का। अरे हाँ यार कहानी था, वो गवर्नमेंट बस बात कर रही है, अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं हुआ है, मुझे बस डिजाइन बनाने के लिए बुलाया था। अच्छा अच्छा, खैर वो सब छोड़ो, 25 करोड़ लगेंगे फाइनल है? हाँ बिल्कुल फ्रैंकलिन, देखो 25 करोड़ तो लग रही है। तो कॉन्ट्रैक्टर भाई बुला ले अपने वर्कर्स को। तो लाओ अभी पैसे। पैसे दूंगा तभी बुलाएगा। और क्या फ्रैंकलिन, कैसी बात कर रहे हो तुम? तो ठीक है आज शाम तक मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ। तो कल से हम लोग काम लगा देंगे तुम्हारे गेमिंग रूम में। ठीक है भाई, ठीक है चलो, ठीक है कोई बात नहीं गाइस, पहले आज पैसों का जुगाड़ करते हैं, कल से अपना गेमिंग रूम का भी काम शुरू हो जाएगा। भाई साहब देख रहे हो भाई, तुम लोगों ने कमेंट किया था बहुत ज्यादा, इसीलिए गेमिंग रूम बनवा रहा हूँ मेरा, वरना तो घर पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीट हो चुका है भाई, हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर है, टैंक है, पूरा शोरूम भरने को आ रखा है भाई, बहुत सारी गाड़ियां हो गई है, ऑलमोस्ट बाइकें सारी हो गई है भाई, कुछ ही दिनों में जस्ट टोटल पूरा कंप्लीट हो जाता। बट तुम लोगों को अब गेमिंग रूम भी चाहिए, और मैंने भी सोचा यस बनता है भाई, इतना बढ़िया घर बनवा लिया है, एक गेमिंग रूम तो बनता ही है, इसीलिए चलो एक गेमिंग रूम भी हो जाए। क्यों भाई शिनचैन पिनचैन? अरे बिल्कुल यार मजा आएगा, उसमें हम लोग मस्त मस्त नए वाले गेम्स ट्राई करेंगे। मैं कलुआ यार, मेरे को मत भूल जाइए यार, मैं भी ट्राई करूंगा उसमें। मैं तो कौन मरा कर रहा है भाई, जॉब तू भी ट्राई कर लियो भाई। फिलहाल अभी तो मैं जा रहा हूँ यार पैसे कलेक्ट करने के लिए, तुम लोग पास कोई आइडिया है? फिलहाल आज एक काम करते हैं, 25 करोड़ एक साथ इकट्ठे कर पाना तो मुश्किल है, आज हम लोग कलेक्ट करते हैं 10 करोड़ रुपए। चलो भाई 10 करोड़ कलेक्ट करने का कुछ आइडिया है तुम्हारे पास शिनचैन पिनचैन भाई? बोल। अरे नहीं है यार कुछ भी आइडिया नहीं है। चौप भाई तेरे पास? मेरे पास कभी आइडिया ही क्या होता है बे। तेरे पास भाई शिनचैन? अरे यार मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन लेस्टर से जाकर पूछो यार। अबे तुझे लग रहा है लेस्टर बताएगा कुछ? उसके पास भी कोई आइडिया नहीं होगा 10 करोड़ लाने का। किससे हेल्प मांगू समझ में नहीं आ रहा है भाई, सीरियसली मैं अपने सारे दोस्तों से ऑलरेडी हेल्प मांग चुका हूँ यार, अपने घर बनवाने में, अपने घर को अपग्रेड करवाने में सारे दोस्तों ने मेरी हेल्प की है। अबे हाँ वैसे तुम लोगों ने कमेंट किया था भाई यहाँ पर एक शेड भी होनी चाहिए, शेड भी लगवाने हैं। अरे यार खर्चा तो अभी तो बहुत खर्चा होगा घर में। चलो आज फिलहाल 10 करोड़ का जुगाड़ करते हैं, कहाँ से करूँ बट मैं ये 10 करोड़ का जुगाड़, कहाँ से चलते हैं ज़रा साइमन वाइमन तो मुझे नहीं लगता यार। देखो मैंने माइकल ट्रेवर लेमार लेस्टर साइमन शिनचैन चॉप सबसे मिलिट्री कर्नल से भी यहाँ तक की हेल्प मांग रखी है भाई, सब ने मेरी हेल्प की अभी तक, मुझे नहीं लगता कोई बंदा बचा होगा। यहाँ तक कि बेनी से भी शायद मैंने हेल्प मांग रखी है, या फिर नहीं पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद मैंने बेनी से भी हेल्प मांगी थी भाई, आई डोंट रिमेम्बर, बट मुझे इतना हल्का हल्का याद है बेनी से भी हेल्प मांगी तो ज़रूर होगी, उसने हेल्प की भी होगी। कौन रह गया है जिससे अभी तक हेल्प भी नहीं मांगी मैंने, यहाँ तक कि एवेंजर्स वगैरह से भी हेल्प मांग रखी है भाई मैंने, आयरन मैन हल्क फ्लैश सबसे, कौन रह गया है? चलो यार गाड़ी लेके निकलते हैं, ढूंढते हैं कोई बंदा मुसीबत में हो जो मेरी हेल्प कर दे। वैसे यहाँ तक मैंने कॉन्ट्रैक्टर से भी हेल्प मांग रखी है भाई, कौन हो सकता है जो मेरी हेल्प कर सकता है? 10 करोड़ की हेल्प चाहिए मुझे, कौन, हु कैन हेल्प मी, सामने आओ भाई। वैसे इस जीप ने भाई मेरा हमेशा शुरुआत से साथ दिया है, जब से मैंने अपनी ये हाउस अपग्रेड वाली सीरीज स्टार्ट की थी। क्या करूं यार 10 करोड़ भाई, 25 करोड़ तो अभी देखो भाई मेरे पास, देखो तुम लोग खर्चा कैलकुलेट करवाता हूं मैं अभी, कितने पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी? 25 करोड़ तो सीधा सीधा मान के चलो गेमिंग रूम में, यार 25 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं भाई, कहीं स्कैम तो नहीं कर रहा ये कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट, पता चला भाई मेरे पैसे लूट रहा हूँ। नहीं यार भरोसे वाले बंदे हैं, इतना बढ़िया घर बना दिया इन लोगों ने इतनी जल्दी, नहीं 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 इन पे तो भरोसा कर सकते हैं, पैसे तो नहीं लूट रहे होंगे ये लोग, 25 करोड़ में कुछ तो तगड़ा बना ही देंगे। तो चलो भाई 25 करोड़ का तो देखो गेमिंग रूम हो गया, ठीक है ये बात ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं
तो 10 करोड़ अपने को मिलिट्री कर्नल को भी देने हैं, वो जो टैंक में खरीद के लाया था मिलिट्री बेस से, उसके 35 करोड़ हो गए। और छोटे मोटे और काम, शेड लगवाना है, ये लगवाना है, वो लगवाना है, उसमें भी 4-5 करोड़ मान के चलो, मतलब टोटल अपने को अभी भी 40 करोड़ के लगभग रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आई गेस बहुत ज़्यादा है भाई। खैर जो भी हो, अभी पहले 10 करोड़ आज का टारगेट है, 10 करोड़ का जुगाड़ करना है, किसी तरीके से 10 करोड़ का जुगाड़ कर लेते हैं, बाकी पैसों के बारे में बाद में सोचेंगे। ओके, कहाँ से होंगे 10 करोड़ का जुगाड़? अरे कोई तो हेल्प कर दो भाई, कौन रह गया ज़रा मेरे को कॉन्टेक्ट्स में याद करने दो यार, कौन रह गया है जो मेरी हेल्प कर सकता है, कौन आखिरकार कौन कर सकता है हेल्प, कौन? अबे मेरी वजह से ट्रैफिक लग गया, हटा रहा हूँ भाई। अरे साइड में हटा के सोच ले। अरे हटा रहा हूँ, अब चल। अरे यार क्या है भाई, कैसे लोग हैं यार लॉस सैंटोस में, 2 मिनट गाड़ी साइड में लगा के सोचने भी नहीं देते। यहाँ लगा लेता हूँ साइड में एंड देन सोचता हूँ भाई, चलो कौन हेल्प कर सकता है मेरी। अबे इसे क्या हो गया, ये बंदा रो क्यों रहा है ब्रो? और क्या हो गया इसको? हेलो ब्रो, क्या हो गया, क्यों रो रहा है तू? मेरे संग बहुत गलत हुआ है, मेरे संग बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। क्या हुआ, क्या है, पहले ये बताएगा? मेरे संग बहुत गलत हुआ है। अबे पहले बताएगा हुआ क्या है? मैं बताऊंगा तो तुम मेरी कौन सी हेल्प कर दोगे? अबे मैं करूंगा भाई हेल्प, मैं करूंगा, तू एक बार बता तो हुआ क्या है। वो मेरे पैसे लूट गए। पैसे लूट गए? अबे कितने थे? 100। अबे 100 रुपए लुटने पे कोई रोता है? 100 रुपए लुट गए और ये बंदा रो रहा है यहाँ पे। 100 करोड़। क्या 100 करोड़? फिर व्हाट, 100 करोड़ बोला भाई तूने? बिल्कुल। अच्छा कैसे लुट गए भाई? अरे यार मेरे संग बहुत गलत हुआ है। अरे पहले एक्सप्लेन, अबे एक्सप्लेन करेगा तू, उठ तू पहले उठ, जरा इधर कोपचे में आ, कोई हमारी बातें ना सुन ले, जरा इधर आ, इधर आ, इधर फटाफट से इधर। अबे आ, अबे वहीं रह गया वो। अबे आ जा भाई, मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, एक बार इधर तो आ कोपचे में। हाँ भाई, तो अब तू डिटेल में बता तेरे संग हुआ क्या है और तेरे पास 100 करोड़ कहाँ से आए? अरे यार देखो, मैं लॉस सैंटोस में रहता हूँ, ठीक है? अच्छा। और मेरे पास एक बढ़िया सा मेरा घर था, गाड़ी वाड़ी थी 2-3, और थोड़ा बैंक बैलेंस था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं अब लॉस सैंटोस में नहीं रहूँगा, वैसे भी लॉस सैंटोस में काफ़ी क्राइम बढ़ गया है, मैं नॉर्थ यंगटन चला जाऊँगा, वहाँ पर काफ़ी शांति है। ओके। तो मैंने अपना घर बेच दिया, गाड़ी वाड़ी बेच दी, बैंक से पैसे निकाल लिए, टोटल हो गए मेरे पास 100 करोड़। ओहो परफेक्ट, 100 करोड़ बिल्कुल। अच्छा तो फिर क्या, अब मैं निकल रहा था यहाँ से नॉर्थ यंगटन के लिए, तो मैंने एक टैक्सी बुक की, टैक्सी के अंदर बैठा और चल पड़ा। फिर क्या हुआ यार, 2-4 बंदे आए, मुझे पीटा और मेरे पैसे ले गए। अबे तो उन 2-4 बंदों को कैसे पता चल गया कि तेरे पास 100 करोड़ है? अरे यार वो टैक्सी वाला मिला हुआ था उनसे। हैं, टैक्सी वाला मिला हुआ था? क्या कह रहा, तू कंफ्यूज कर रहा है। अरे यार देखो मैं बताता हूँ, जिस टैक्सी को मैंने बुक किया था यहाँ से अपने घर से एयरपोर्ट जाने के लिए, वो टैक्सी वाला कुछ गैंग वालों से मिला हुआ था, और टैक्सी वालों को जैसे ही पता चला कि मेरे पास 100 करोड़ है, उसने अपने गैंग के मेंबर को कॉल कर दिया और वो लोग आ गए। अच्छा भाई। और मेरे पैसे छीन के भाग गया वो टैक्सी वाला भी और वो गैंग वाले भी। तो तू पुलिस में क्यों नहीं जाता? अरे यार सारे पैसे कैश में थे, पुलिस वालों को नहीं बता सकता मैं। ओके तो ये बात है, तेरे पैसे कैसे वापस आएंगे फिर? तुम यार वैसे मेरी हेल्प करने के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि भाई ऐसे अच्छा लगता है यार दिल से किसी की हेल्प करना, समझ रहे है तू मेरे कहने का मतलब? दिल से या फिर कुछ चाहिए मुझसे तुम्हें? अरे वाह यार, तू तो बड़ा समझदार बंदा है, तू कैसे लुट गया भाई? चाहिए यार, तेरे 100 करोड़ में से 10 करोड़ मुझे दे दियो प्लीज। अरे लेकिन पहले मिलने तो दो। हाँ तो मिलने के बाद ही कह रहा हूँ मैं तेरे पैसे, तू चिल कर, तू यहाँ पर बैठ के भाई कुछ बर्गर वर्गर पिज्जा विज्जा खा एकदम चिल करते हुए, मैं तेरे 100 करोड़ वापस ले आऊंगा, उसमें से तू मेरे को 10 करोड़ दे दियो मेरे, ठीक है? मेरा हिस्सा हो जाएगा वो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाओ तो सही पैसे, ठीक है? टेंशन फ्री हो जा तू। सबसे पहले मेरे को ये बता, टैक्सी का नंबर याद है? ऑब्वियसली नहीं याद होगा तुझे। याद है ना, 777 है। अबे तू क्या टैक्सी का नंबर याद करके टैक्सी के अंदर बैठा था? अरे नहीं यार, वो टैक्सी का नंबर ही इतना अजीब था कि मुझे याद हो गया, दिमाग में बस गया। अच्छा क्या नंबर था? 777। बस बस, और कोई अल्फाबेट वगैरह कुछ भी नहीं था। अच्छा ठीक है, कौन सी कंपनी की टैक्सी थी भाई? अरे वो पीली वाली, नीली वाली आती नहीं है लॉस सैंटोस में, वो टैक्सी थी। ठीक है समझ गया, मैं समझ गया, तू बैठ, तू चिल कर यहाँ पर, मैं तुझे कह रहा हूँ ना, तू चिल कर यहाँ पर, मैं लाऊंगा तेरे पैसे,
मेरे को दे दियो तू 10 करोड़, 10% मुझे दे दियो, बाकी पैसे तेरे। आ तू यहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठ। आ भाई तू आ, तू डर मत लौंडे, तू आ, तेरे 100 करोड़ की टेंशन मत ले, अब तेरे 100 करोड़ की लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तू चल, तू चिल कर, मैं कह रहा हूँ तू आ इधर, तू चिल कर, बस आ जा, चिल कर यहाँ पे, समझ रहे है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो गाइस, इसे मैंने चिल करने के लिए छोड़ दिया, जब तक मैं वापस ना हो तब तक यहाँ से हिलियो मत, चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, ठीक है? ठीक है, ओके। अब चलते हैं टैक्सी के पास, मतलब टैक्सी का जो मेन ब्रांच है, मेन यूनिट है, मेन जो इनका हेडक्वार्टर है टैक्सी का। यस, तुम लोग टैक्सी को हल्के में लेते होगे भाई, इन टैक्सी वालों का पूरा हेडक्वार्टर है, जैसे बस वालों का यहाँ पर है। ये देखो, यहाँ पर लॉस सैंटोस की सारी बसें आती हैं, रिपेयर होती हैं, जाती हैं यहाँ से, ये बस वालों का हेडक्वार्टर टाइप का इलाका है, वैसे ही टैक्सी वालों का भी है। टैक्सी वालों की कंपनी नाम है डाउनटाउन कैब कंपनी, ऐसा कुछ तो नाम है, ठीक है? जैसे मान लो तुम लोगों को एक टैक्सी दिखाता हूँ मैं। अबे टैक्सी क्यों नहीं चल रही है, एक आध भी? अबे एक आध टैक्सी नहीं चल रही है भाई यहाँ तो। अबे कैसे दिखाऊं यार मैं तुम लोगों को टैक्सी का नाम, भाई एक टैक्सी नजर नहीं आ रही है दूर दूर तक। रुक जाओ, कॉल करता हूँ मैं टैक्सी वाले को। ये देखो डाउनटाउन कैब कंपनी, दिख रहा है तुम लोगों को मेरे फोन के अंदर? अब बुलाता हूँ मैं इस टैक्सी को, तो मैंने टैक्सी को कॉल करके बुला लिया, ठीक है? अब जल्दी कोई टैक्सी आ जाएगी मेरे पास। क्यों नहीं आई भाई अभी तक? अरे टैक्सी कहाँ है भाई? ओके, आ गई, देखो भाई आ गई, मैंने टैक्सी कॉल किया था, ये देखो टैक्सी आ गई। तो ये पीले और नीली कलर की टैक्सी आती है, डाउनटाउन कैब कंपनी है। अब इनके हेडक्वार्टर चलना पड़ेगा, एंड वहाँ से जो 777 नंबर की जो टैक्सी है उसके बारे में पता करना पड़ेगा, एंड उसके ड्राइवर के बारे में पता करना पड़ेगा, एंड फिर हम लोग उस ड्राइवर को पकड़ के पीटेंगे, एंड उससे उगलवाएंगे कि भाई कौन से गैंग के मेम्बर थे वो जिनका उसने साथ दिया, एंड पैसे कहाँ रखे हैं। जैसे ही पता चलेगा पैसे लेके आएंगे, उस बंदे को दे देंगे 10% मेरे, एंड आज के 10 करोड़ की प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। कैसा लगा भाई आइडिया? देखा भाई, इसे कहते हैं दिमाग चलाना, राह चलते बंदे की हेल्प करके मैं पैसे ले आऊँगा। अपने दोस्तों से हेल्प मांगने की जरूरत ही नहीं, किसी भी नॉर्मल राह चलते बंदे की, नहीं राह चलते नहीं, राह पर रोते हुए बंदे की हेल्प करूँगा मैं, एंड उसके पैसे ला के दे दूंगा, 10% मेरे, 10 करोड़ मुझे मिल जाएंगे। फिलहाल डाउनटाउन कैब कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स है वो इधर ही है, इधर, यस, काफ़ी क्लोज हूँ मैं। वो लॉस गैंग का जो इलाका है ना भाई, उसके आजू बाजू ही है, तो शायद पीछे छूट गई वो कंपनी का हेडक्वार्टर। इधर है, किधर है भाई? इधर ही होना चाहिए, इधर ही होना तो चाहिए। यस, ये रहा डाउनटाउन कैब कंपनी, ठीक है? यहीं यहीं से सारी टैक्सी वगैरह जाती हैं भाई। ये देखो, अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है, देख रहे हो? पूरी बिल्डिंग का कलर भी कैसा है, येलो एंड ब्लू कलर है। डाउनटाउन कैब कंपनी, बुलाओ भाई। मालिक कहाँ है, मैनेजर कौन है? आंटी जी, मैनेजर को बुलाओ, बात करनी है। अरे बुला ले मैनेजर को। हेलो, वेलकम सर, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस डू यू वांट? अबे कोई सर्विस नहीं चाहिए मुझे, पहले ये बता ये 777 नंबर वाली टैक्सी तुम्हारी है? यस सर, हमारी है। आपको स्पेसिफिक वही टैक्सी बुक करनी है? नहीं, टैक्सी नहीं चाहिए, तू पहले मेरे को ये बता ये टैक्सी है कहाँ? सर ये टैक्सी तो अभी ऑन सर्विस है। तो ऑन सर्विस है कहाँ, लोकेशन तो तुम लोग रखते होगे? यस सर, अभी चेक करके बताता हूँ मैं, जल्दी चेक कर। सर ये टैक्सी मिलिट्री बेस के आगे कहीं पहाड़ों के पास है, वहाँ पर शायद किसी पैसेंजर को छोड़ने के लिए गई होगी। थैंक यू सर, लेकिन आपको इस टैक्सी के बारे में क्यों जानना था? बाद में बताऊंगा मैं। पहाड़ों के पास, जंगल के पास, मतलब कहाँ, मिलिट्री बेस के आगे? यस सर। ओके थैंक यू, चलो 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 भाई, फटाफट से निकलते हैं मिलिट्री बेस के आगे वाले पहाड़ों की तरफ। मे भी टैक्सी वाला वहाँ पर किसी पैसेंजर को छोड़ने गया होगा, या तो पैसे बांट रहे होंगे ये लोग 100 करोड़ जो लूटे हैं। चलो फटाफट से चलो। तो आ चुका हूँ मैं पहाड़ों के पास, जंगल के पास, एंड मिलिट्री बेस के भी पास। यहाँ से आगे जाना है, एंड वहीं पर टैक्सी वाला था, 777 नंबर की टैक्सी वाला। चलो भाई, अभी उसे दबोच के, और शायद वहीं पर वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैं भी गैस वो लोग पैसे वगैरह ही बांट रहे होंगे उधर जाके। इधर की तरफ है, इधर तो नहीं दिख रहा है वो। कहाँ पर बांट रहे हो बे पैसे? कोई कोपचे में ही बांट रहे होंगे यार जाके, हैं? ऐसे सब पब्लिक प्लेसेस पे तो वो पैसे बांटेंगे नहीं। कहाँ पर? ये लॉस गैंग वाले जब देखो तो भटकते रहते हैं लॉस सैंटोस में अपनी बाइक लेके। किस दिन पकड़ के इनको कूटूंगा मैं, बाइक वालों को स्पेशली। कहाँ है ये? अरे कहाँ चला गया भाई ये तो? मैं बहुत आगे आ गया मिलिट्री बेस से, हैं? अब कहाँ जाऊँ मैं? निकल लो लॉस गैंग वालों, अभी उड़ा दूंगा तुम्हें।
हाँ पर एक रास्ता है भाई, कच्चा रास्ता। हाँ शायद इस कच्चे रास्ते पे जाके वो लोग पैसे बांट रहे हो, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, 100 करोड़ अगर कोई बांट रहा होगा तो इधर थोड़ी ना आपस में बांटेंगे, वो इधर गाड़ी चल रही है, इधर इस साइड में खड़े हो गए, चलो भाई पैसे गिनो, हाँ इतने मेरे इतने तेरे, ऐसे थोड़ी ना होता है कहीं कोपचे में जाके। तो ये सबसे सुनसान इलाका है एंड बेस्ट है, देखो यहाँ पे गाड़ी आराम से भी जा सकती है, पूरा एकदम परफेक्ट रोड बना हुआ है। तो मे भी इधर कहीं वो लोग जाके पैसे वगैरह बांट रहे होंगे, भाई कुछ भी हो सकता है। वो उधर ही टैक्सी, मैं कह नहीं रहा था वो रही गाइस टैक्सी। चलो भाई अभी चुपके से चलते हैं, स्नीक करते हुए जाके इस टैक्सी वाले को दबोच के पूछता हूँ जरा कि भाई साहब बता कहाँ फेंक दिए, कहाँ रख दिए, किसको दे दिए 100 करोड़। टैक्सी वाले बता नंबर प्लेट देखने दो भाई। यस नंबर प्लेट देखो जरा टैक्सी की, 777 है नंबर प्लेट, ये देखो 777 यही है वो टैक्सी जिसके अंदर वो बंदा गया था जिसके 100 करोड़ लूट लिए। बताओ कोई कोई बात होती है ये, खैर जो भी हो बंदे कहाँ हैं, अबे कोई है क्यों नहीं यहाँ पे, टैक्सी छोड़ के कहाँ पे पैसे बांट रहे हैं, कहीं और एकदम कोपचे में जाके पैसे बांट रहे हैं क्या, ये कौन है, हेलो भाई अभी ये कौन बंदा है, बेहोश है टपक गया, वेट 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 ये तो टपक गया यार, आई गेस ये टैक्सी वाला है। ओ समझ गया क्या सीन हुआ इसके साथ, अबे भाई साहब समझ गया मैं। देखो गाइस सीन क्या हुआ होगा, ये टैक्सी वाला लेकर आया 100 करोड़ छीन के, और गैंग वाले यहाँ पर इकट्ठे हुए होंगे वो लोग बांटने के लिए, ठीक है। लेकिन गैंग वाले इस टैक्सी वाले को इसका हिस्सा देना नहीं चाहते होंगे, इसीलिए इसको उड़ा दिया और सारे पैसे वो गैंग वाले लेके भाग गए। अबे यार कौन सी गैंग होगी, अबे लेकिन एक सेकंड कौन सी गैंग, क्या इधर बगल में लॉस गैंग का अड्डा है, मे भी यही गैंग हो। अरे ये लॉस गैंग वाले मानते कहाँ हैं, मैं जो भी काम करूँ ना भाई उसमें ये टांग अड़ा ही देते हैं। जैसे आज देखो, खैर सही तो है यार इन गैंग वालों ने पैसे चुराए, कम से कम उसमें से परसेंटेज तो मिल जाएगी मुझे। हाँ हाँ सही है ओके। लेकिन टैक्सी वाले बेचारे को उड़ा दिया यार, देखो यही होता है भाई गैंग से जुड़े रहने से, यही होता है गैंग वालों को लगा कि भाई बेफालतू में ये पैसे ले जाएगा, उड़ा दो इससे बढ़िया से, उड़ा दिया उन लोगों ने। चलो ये रहा लॉस गैंग का अड्डा, इनको कूट के पूछता हूँ मैं। हाँ भाई बहुत बदमाशी दिखा रहे हो तुम लोग, हैं इधर आओ हैं, गन मेरे पास भी है, गन निकालू अभी, एक को जिंदा पकड़ना है, उससे पूछताछ करेंगे जिंदा कौन। अबे एक और, अबे बहुत हैं ये तो, रुको उससे पूछेंगे कि कहाँ रखे हैं 100 करोड़। एक को जिंदा पकड़ना है, तू लास्ट है बे, अरे आंटी जी आप लास्ट हो, लास्ट कौन है, हाँ लास्ट यही है। चल बे बता भाग कहाँ रहा है, बता ओह बाथरूम में छुप रहा, बाथरूम में जा, निकल यहाँ से, बता बे 100 करोड़ कहाँ रखे हैं। अरे पुराने क्या पुराने अच्छा पुराने वाले बेस पे, ओ भाई आधी बात तो बता के मर गया वो, चलो कोई नहीं पूरा ही फिनिश कर देते हैं, चल निकल। पुराने बोल के टपक गया भाई, पुराने वाले बेस ही बोलना चाह रहा होगा वो, तो पुराना वाला बेस तो वही है जहाँ पर ये टैक्सी वाली हेडक्वार्टर था भाई। यस टैक्सी का जो हेडक्वार्टर था उसके पास ही तो था लॉस गैंग का बेस। अच्छा तभी इस टैक्सी वाले की दोस्ती हो गई थी इन गैंग वालों से। ओह तो टैक्सी वाले ने भाई वहाँ पर 100 करोड़ रख दिए, नहीं यहाँ पर ये लोग 100 करोड़ बांटने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर गैंग वालों ने टैक्सी वालों को उड़ाया और 100 करोड़ लेके भाग गए, ये सीन हुआ है। चलो फिर लॉस गैंग के बेस पर लेकर आते हैं 100 करोड़, लेंगे उसमें से 10% यानी 10 करोड़ हो जाएंगे मेरे, सिंपल एंड ईजी, लेट्स गो। ये देखो भाई मैं पहुंचने वाला क्या पहुंच गया लॉस गैंग के पुराने बेस पर, देखो वो है लॉस गैंग एंड मैं तुम लोगों को भाई टैक्सी वालों को दिखाऊं। ये देखो देख रहे हो तुम लोग, लिटरली में इधर लॉस गैंग का बेस है एंड इधर टैक्सी का हेडक्वार्टर है, लॉस सेंटोस के अंदर इधर लॉस गैंग का बेस, इधर टैक्सी वालों का हेडक्वार्टर। तभी तो भाई उस टैक्सी वाले ड्राइवर की एंड लॉस गैंग वालों की दोस्ती हुई होगी। टैक्सी ड्राइवर को पता चला कि भाई जो पैसेंजर बैठा उसके पास 100 करोड़ है, उसने कॉल कर दिया गैंग वालों को, गैंग वाले आए लूट के ले गए पैसे एंड फिर टैक्सी वाले के बीच में बांटने की बारी आई, तो उसने कहा होगा भाई 50% 40% ऐसा कुछ सीन हुआ होगा कि मेरा है, गैंग वालों ने उसे ठोक दिया एंड लेकर आ गए वो पैसे यहाँ पर। अब फिलहाल वही पैसे ले जाने के लिए मैं वापस आया हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाइयों ऐसी की तैसी तुम्हारी, निकलो सॉरी बॉस बट यू हैव टू डाई। अरे सर जी कितने हो आप लोग, अरे मैडम जी शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी है, चश्मा पहन के भाई साहब शर्म नहीं आ रही है, 100 करोड़ लूट लिए बेचारे बंदे के, वैसे अच्छा किया तभी तो मेरे को 10 करोड़ मिलेंगे बट स्टिल ओके उड़ा दिया भाई। ओहो सर जी आप टकले, सर जी आप क्या कर लोगे, आप पहले ये बताओ मेरे को, सर क्या कर लोगे आप, खत्म और कोई है, गैराज है इनका ये,
गैराज में तो नहीं है पैसे। पैसे कहाँ हैं फिर? इसके बगल में भी एक गैराज है, उसमें शायद मैं भी। चलते हैं जरा, खोल लो भाई। ओके ले भाई, ये लॉक्ड है। पैसे कहाँ रखे होंगे इन लोगों ने? 100 करोड़। देखते हैं इनके अड्डे के अंदर जाके। ओपन करो भाई इनका बेस अटैक से। एंड और कोई तो नहीं है बेस के अंदर? अभी वो तो बाहर आ जाओ बे, उड़ा दूंगा एक एक को, एक एक को उड़ा दूंगा मैं। बाहर आ जाओ शांति से। चलो कोई नहीं है बेस पे। भाई साहब बेस टीवी लगा रखा है। ये लो भाई तुम्हारे टीवी फोड़ दिया मैंने। फिलहाल ढूंढते हैं 100 करोड़ कहाँ रख रखे हैं इन लोगों ने 100 करोड़। लेट मी चेक इन द बाथरूम। बाथरूम अबे क्या हालत कर रखी है भाई बाथरूम की। शीशा वीशा सब कुछ तोड़ रखा है इन लोगों ने। नहीं भाई बाथरूम के अंदर तो नहीं है 100 करोड़। बाहर चलते हैं। वेयर इज 100 करोड़? ओ भाई साहब लॉस गैंग के ये सब मेंबर्स हैं। कितने सारे बंदे हैं यार, देखो भाई कितने सारे बंदों की फोटोज लगी पड़ी है। इधर भी बाइक की फोटो लगी पड़ी है। बाइक के बहुत शौकीन है, तभी तो बाइक लेके घूमते रहते हैं लोग इधर से उधर। ये रेडियो वेडियो है क्या? अरे 100 करोड़ कहाँ? अरे तिजोरी यहीं पे होंगे ना 100 करोड़। ये तो रहे शायद। हाँ बैग्स के अंदर पैसे ही हैं। पैसे हैं तिजोरी में, कुछ है कि नहीं है? तिजोरी खाली है गए, सारे पैसे इधर बाहर ही रखे थे अभी इन लोगों ने। मुझे लगता है अभी पैसे अंदर रखे भी नहीं होंगे और मैं इससे पहले आ भी गया। चलो एक काम करते हैं, गाड़ी को थोड़ा और अंदर लेके आ जाते हैं ताकि ये पैसे रखने में आसानी हो, एंड देन पैसे लेके निकल लेंगे। अरे वो सारे अबे जिनको मैंने ठोका वो सारे गए कहाँ? अरे सारे के सारे गायब हैं। एम्बुलेंस वेम्बुलेंस ले गई क्या? लगता तो है। जो भी हो अंदर चल के फटाफट से लेकर आते हैं भाई वो 100 करोड़ के 3 बैग, एंड जल्दी से अपनी गाड़ी में रख के निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। उस बंदे को देते हैं उसके 100 करोड़, फिर 10 करोड़ मेरे। चलो भाई चलो 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 चलो, तीनों के 3 बैग मैंने रख दिए हैं। ओहो आ गए ये लोग फिर से। तीनों बैग मैंने गाड़ी की डिक्की में रख दिए हैं, एंड अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। बट उससे पहले हेलो सर, देखो भाई देखो मैं कह नहीं रहा, कोई तो ले गया उनकी लाशें भाई, और गैंग वाले आ गए, इतने सारे हैं ये। चलो निकल गया मैं वहाँ से तो निकल गया पैसे ले गए। अब उस बंदे के पास चलते हैं जिसके ये पैसे हैं, उसको देते हैं, वो सिंपली शिफ्ट कर जाएगा अपना नॉर्थ यंगटन, एंड मुझे मिल जाएंगे 10 करोड़। लेट्स गो। इधर कौन से रेस्टोरेंट के आगे छोड़ के गया था? हाँ ये तो रहा रेस्टोरेंट। बाय बाय, कैसे हाल चाल है तेरे भाई? तेरे पैसे लेके आ गया मैं। यकीन हो रहा है तुझे? तुझे लगा होगा कई दिन कई रातें लगेंगी, बट नहीं आज ही लेकर आ गया, वो भी कुछ घंटों के अंदर ही। चल तेरे पैसे निकाल के देता हूँ मैं अंकल जी। ओ नहीं नहीं इधर नहीं, एक काम कर इधर आ, पीछे आ पीछे कोपचे में आ, इधर बहुत सारी पब्लिक है, फिर से तू लुट जाएगा। इधर इधर पीछे आ जा, आ जा कोपचे में आ, इधर मैं तेरे पैसे देता हूँ निकाल के अपनी गाड़ी की डिक्की से। आ लौंडे पैसे नहीं लेने। वैसे तेरी जब से कॉफी खत्म नहीं हुई? नहीं थोड़ी बहुत चल रही है यार। कौन सा कप है ये तेरा? ये 10वां कप है। बहन नालायक 10 कॉफी पी गया ये। तेरा पैसे निकालता हूँ। तो ये हैं तेरे 3 बैग, एंड अब इन 3 बैग में से भाई जो भी हो 10 करोड़ निकाल के मेरे को दे दे, फटाफट दे दे। मेरे पास सूटकेस होगा गाड़ी में, मैं निकाल के देता हूँ। थैंक यू फॉर द मनी ब्रो, निकलता हूँ मैं यहाँ से। वैसे जो भी हमारे बीच में डील हुई किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? अरे तुम क्या यार, मैं ही नहीं बताऊंगा किसी को। हाँ तो तुझे ही कह रहा हूँ, मैं तो वैसे भी किसी को नहीं बताने वाला। हट जा जरा साइड में। अरे यार गाड़ी कैसे निकालूं? अरे हट जा यार, पैसे लेके निकलना भाई तू। चलो भाई ये तो गया पैसे लेके, एंड अभी मैं निकलता हूँ अपने ये पैसे लेके फटाफट से घर की तरफ। अबे यार आज की तो गाड़ी भी रह गई है, तुम लोगों को तो पता ही है यार हमारे हाउस अपग्रेड की सीरीज में मैं डेली कोई ना कोई सुपर कार या फिर कोई एक बाइक लेकर जरूर आता हूँ। तो आज की सुपर कार तो रह गई है, अभी सुपर कार भी लेने के लिए चलते हैं। पहले ये जीप और पैसे रख के आते हैं घर पे। चलो भाई वी आर बैक, एंड वो हेलीकॉप्टर देखो भाई यहीं से नजर आ रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है वो ब्लू कलर का हेलीकॉप्टर। व्हाटएवर, पैसे यहाँ पर मैं अंदर रख देता हूँ क्योंकि अभी आज तो ये काम शुरू करने वाले है नहीं, तो इन पैसों को संभाल के अंदर रख दिया जाए, एंड देन निकलते हैं आज की एक और सुपर कार लाने के लिए। चलो भाई पैसे रख देते हैं यहाँ पे। चलो भाई पैसे तो रख दें यहाँ पर, कल अब कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्ट को दे देंगे। भाई पैसे मैं कल ही दूंगा, कल से ही काम लगाना तुम लोग। ठीक है यार ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं। हाँ तो फिर हमारा यहाँ पर अब रहने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है चलते हैं फ्रैंकलिन। जाओ जाओ जाओ, कल आ जाना भाई वर्कर्स लेके टाइम पे। हाँ गेमिंग रूम के लिए ज्यादा वर्कर्स की तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी देखते हैं कि जितने की जरूरत पड़ेगी उतने वर्कर्स लेकर आएंगे। ठीक है मैं निकलता हूँ अभी सुपर कार के लिए फटाफट। भाई साहब जरा गाड़ी देना। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड थैंक यू फॉर योर कार। अभी इसको लेके कहाँ निकलूँ मैं? क्या लगता है आज कहाँ मिलेगी भाई कोई सुपर कार? हर जगह हर इलाके देख चुका हूँ मैं।
सारे अमीरों के इलाके देख चुका हूँ। अमीरों के मोहल्ले में कोई गाड़ी मिलेगी? नहीं, वहाँ पे भी काफी बार जाके मैं ला चुका हूँ भाई गाड़िया। कोई सा इलाका रहता है क्या मेरी नजरों से? कोई सा भी इलाका रहता है क्या मेरी नजरों से? ओ भाई क्या जंप थी ये, क्या अल्टीमेट जंप थी, बट लैंडिंग बकवास। कोई इलाका, मुझे नहीं लगता यार कोई इलाका मैंने आज तक छोड़ा होगा। नहीं, लेकिन लॉस सैंटोस इतू सा थोड़ा ना, बहुत बड़ा लॉस सैंटोस है, डेफिनेटली कोई ना कोई इलाका छूटा है मेरे से। ढूंढते हैं वहाँ जो भी कोई सुपर कार स्पोर्ट्स कार मिलेगी लेकर आ जाएंगे सिंपली। लेट्स गो। लॉस सैंटोस के हर इलाके में मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, कहीं तो कोई गाड़ी मिलेगी, कहीं तो कोई गाड़ी। ओए है, ओए वो रही एक, लेकिन वो ओल्ड मॉडल क्यों लग रही है? एक सेकेंड, आगे से यू टर्न लेते हैं जरा। प्लीज हटो जरा साइड में, एंड हियर वी गो। चलो भाई, इधर कहाँ थी वो गाड़ी? इधर इधर किधर? ओ नो, मैं गाड़ी से पूरा बाहर निकल गया। ओ वो रही भाई, एग्जैक्ट सही जगह पे बाहर निकला हूँ मैं। अरे वाह, अभी एक सेकेंड, ये तो कोई, अभी ये कुछ, अरे ये गाड़ी अच्छी भी लग रही है, एट द सेम टाइम थोड़ी अजीब भी लग रही है। कोई फेमस कार लग रही है मुझे तो ये। एनिस कौन सी गाड़ी है भाई ये? पता नहीं इसकी स्पीड। ओ वाओ भाई, जैसी ये गाड़ी दिखने में है, स्पीड देखो कितनी बढ़िया है इसकी, 300 चली गई आराम से, 250। ओ भाई साहब, हैंडलिंग भी अच्छी है। ये गाड़ी पता नहीं क्यों जानी पहचानी सी लग रही है मुझे तो, ये ओल्ड मॉडल पता नहीं कौन सी गाड़ी है ये। तुम लोग कमेंट में बताओ गाइस ये कौन सी गाड़ी हो सकती है। एनिस नाम है, मे बी वॉक्सवैगन की कोई सी गाड़ी है, कोई पुरानी गाड़ी है। आई गेस ये अच्छी खासी एक विंटेज कार बन सकती है एंड बढ़िया बिक सकती है, लेकिन मुझे बेचने से थोड़ा ना मतलब है, मुझे तो रेयर गाड़ियों का कलेक्शन चाहिए। तो इसीलिए भाई ये हमारे शोरूम के एकदम परफेक्ट लायक है, लेकर चलते हैं इसे अपने घर, अपने गैराज में इसे भी दे देते हैं एक जगह। चलो भाई, एंड आ चुके हैं। और अभी तक, अबे वो दोनों अभी तक गए नहीं है, कब की बात कर रहे थे वो लोग कि हम लोग जाएंगे, गए नहीं भाई अभी तक। खैर छोड़ो उन्हें, इस गाड़ी को अब लगाऊं कहाँ मैं, ये नहीं समझ में आ रहा है यार मुझे। बहुत सारी गाड़ियां हो चुकी है अपने गैराज, अपने शोरूम में। नीचे तो वो जगह खाली है बाइक्स के लिए, चलो इसको ऊपर ही लगा देते हैं। है जगह भाई, जगह है क्या? नहीं है जगह यहाँ पर मे भी, लेकिन ये दिखेगी नहीं भाई, मुझे लगाना है ऐसी जगह जहाँ से दिखे ये। तो पीछे की तरफ लगाना शुरू करते हैं आप, इधर, क्या बोलते हो तुम लोग? यस डेफिनेटली, अब धीरे धीरे करके भाई गाड़ियों को इधर भी लगाना चाहिए हमें। ओके, तो ये आ गई भाई अपनी एक और गाड़ी हमारे कलेक्शन में। तो इस तरीके से आज मैंने जुगाड़ किया भाई पूरे 10 करोड़ का, एंड साथ ही साथ एक विंटेज कार भी आ चुकी है अपने पास हमारे कलेक्शन के अंदर। एंड अभी देखते हैं जरा वो बाहर से कैसी लग रही है, मतलब बाहर से आई मीन दूर से देखने पे वो कैसी लग रही है शोरूम के अंदर। अरे यार कोई पुरानी सी गाड़ी लग रही है ये तो। पुरानी सी है भाई, कोई विंटेज कार है वो। ओ भाई बढ़िया लग रही है, कलर कॉम्बिनेशन देखो, येलो रेड ग्रीन व्हाइट सब कुछ है उस पे, बढ़िया। वैसे गाइस तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो से अपने गेमिंग रूम का काम शुरू हो जाएगा एंड जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग पार्टी देंगे हमारे न्यू घर की खुशी में। खैर जो भी हो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, इंस्टाग्राम एंड एक्स पर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में गाइस, गुड बाय।